अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में आपको ग्री डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पोलर प्लस सीरीज के अम्पेयर लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितने अम्पेयर लेता है और रूम के हिसाब से, रूम के साइज के हिसाब से ये कितने अम्पेयर लेगा और कैसा है ग्री डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर। डेफिनेटली आपको पता है कि ग्री एक काफ़ी अच्छी कंपनी है और यहाँ पर जो है मैं अभी लाइव आपको अम्पेयर दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है मैं इंडोर यूनिट पर 16 सेट करके आ चुका हूँ यहाँ पर और अभी 20 से 25 मिनट इसको हो गए हैं। अभी अम्पेयर चेक करने के लिए आपने इस वायर पर क्लैंप मीटर को लगाना है। क्लैंप मीटर हमारा 20 अम्पेयर पर सेट है। फर्स्ट जो दो वायर्स आपको देखने को मिल रही है N1 और 2, 3 पर आप नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 जो है वो कम्युनिकेशन की वायर है, तो इन दोनों में से आपको किसी पर भी अम्पेयर मिल जाएंगे। ये मैंने फर्स्ट पर ही लगा दी है तो इसके अम्पेयर जो है अभी लाइव अम्पेयर जो है वो है हमारे 8.6 और 2 टन का ये यूनिट है। यहाँ पर मैं आपको मॉडल नंबर भी दिखा दूँ, ठीक है, 2 टन का ये यूनिट है। इसके आप वाट भी देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी मुकम्मल जो है स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर मॉडल नंबर जो है वो है भाई यहाँ पर ये, ठीक है, ये मॉडल नंबर से आपको पता चल जाता है कि ये कितने टन का है, GS 24। ओके, यहाँ पर अभी इसके अम्पेयर इतने हैं तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 6-7 हों, 6 के राउंड होने चाहिए थे। मैं आपको बता दूं कि ये रूम में नहीं लगा हुआ, ये ज़रा हॉल है, बड़ा हॉल है तो उसमें लगा हुआ है। इस वजह से जो है ये अकेला वहाँ पर जो है मतलब रूम का टेम्परेचर जो है वो 16 तक नहीं ला सकता, जिसकी वजह से इसके अभी अम्पेयर जो है थोड़े ज़्यादा आपको मिल रहे हैं 8.71। तो अगर ये रूम में लगा होगा तो इसके अम्पेयर भी कम हो जाएंगे, अम्पेयर इसके मैक्सिमम 5 के अराउंड कहीं आ जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और एयर कंडीशनर जिसमें जो है सेम वही जो है ग्रीक कंपनी का 2 टन का यूनिट है और यहाँ पर ये 6 अम्पेयर ले रहा है रनिंग में। ऑलमोस्ट इसको आधा घंटा ही हो चुका है रनिंग में इसको ऑन किए हुए और यहाँ पर इसके अम्पेयर अभी 5-6 के आसपास ही हैं, तो मतलब कि ये उसे थोड़ा छोटे रूम में लगा हुआ है, मतलब हॉल जो है वो छोटा है। इसके साथ और भी एसी मौजूद है जिसकी वजह से मतलब टेम्परेचर रूम का जल्दी आने की वजह से ये जो है अम्पेयर डाउन करता जा रहा है और उसका भी जब उसके साथ कोई और सपोर्ट करने वाला और एसी भी होगा तो 3-4 एसी मिलकर हॉल को अच्छे से चिल कर देंगे तो फिर इसके अम्पेयर डाउन हो जाएंगे। तो मतलब कि एक तो लॉन्ग पाइपिंग की वजह से अम्पेयर थोड़े से बढ़ जाते हैं या फिर हॉल जो है आपका बड़ा है उसकी वजह से भी इसके अम्पेयर, इन्वर्टर हो सादा हो, सिंपल एसी हो, नॉन इन्वर्टर, तो उनके अम्पेयर थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अम्पेयर क्यों ऊपर जाते हैं। अभी इन्वर्टर एसी का ही मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, बता रहा हूँ टेस्ट करके कि इन्वर्टर एसी जो है इसके अम्पेयर बिल्कुल नीचे आते हैं। अगर यही रूम में लगा होगा, ये 2 टन का, ये भी 2 टन का है, ठीक है, तो ये 2 टन का रूम में लगा होगा तो रूम में ये बिल्कुल ये 4 के राउंड भी आ सकता है, आ सकता नहीं, बिल्कुल आएगा जब रूम का टेम्परेचर मुकम्मल हो जाएगा। जब रूम का टेम्परेचर मुकम्मल नहीं होगा तो एक बार अम्पेयर इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आपने ये नहीं समझना कि भाई ये अम्पेयर क्यों ज़्यादा ले रहा है भाई, जब तक वो अपना कूलिंग जो आपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर दे दिया है वो कूलिंग नहीं करेगा तब तक अम्पेयर नीचे नहीं आएंगे, स्टेप बाय स्टेप वो डाउन होते जाएंगे। कूलिंग मुकम्मल करने के बाद इसके अम्पेयर डाउन हो जाते हैं, कंप्रेसर स्लो हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो फ्ली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।